दिन भर में हमारे किचन से काफी वेस्ट जनरेट होता है, फिर चाहे वो सब्जी के छिलके से हो, बचे हुए खाने से या फिर सब्जी के सड़ जाने से। ये सारा वेस्ट हम डस्टबिन में डाल देते हैं। बट वॉट इफ इस सारे किचन वेस्ट को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बनाया जाए। बट क्या? ये कंपोस्ट यानी खाद। दैट्स राइट, वही खाद जिसे हम मार्केट में पैसे देके खरीद के लाते हैं अपने प्लांट्स को नरिश्ड रखने के लिए। बट फूड वेस्ट से खाद कैसे बनेगी? वेल फॉर दैट लेट्स मीट इंडिया की कंपोस्ट क्वीन। मेरा नाम वाणी मूर्ति है और मैं 12 सालों से कंपोस्ट बना रही हूँ। वाणी जी ने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल स्टार्ट करेंगी। मुझे रियलाइज हुआ कि ऑलमोस्ट 60% वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं वो हमारा किचन से आता है। पूरा वेस्ट मिक्स होकर लैंडफिल में जाके जमा होता है और मीथेन रिलीज होता है यहाँ पे, उसको ग्रीन हाउस गैस मानते हैं, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा सॉइल, एयर और हमारा वाटर को पोल्यूट करता है। सो बेसिकली हम अर्थ को ऐसी चीज से पोल्यूट कर रहे हैं जो अर्थ को हील करने के काम आ सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। ये पहला वाला हमारा किचन से आया है जो हम खाए हैं, ये सब हम ग्रीन वेस्ट बोलते हैं। इसको मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, ये ग्रीन वेस्ट है, हाई इन नाइट्रोजन। सेकेंड ब्राउन, ये ब्राउन स्टफ है पत्ते, बाहर जहाँ भी पेड़ है वहाँ पत्ते गिरेंगे, वो ड्राई लीव्स हम बोलते हैं, वो हम कलेक्ट करके रखते हैं क्योंकि ये ग्रीन्स के साथ ब्राउन्स का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा आपका ये माइक्रोब्स बोलते हैं, ये है बटर मिल्क। और फोर्थ है एक कंटेनर, आप प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं, ऐसा एक गमला ले सकते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए और इसको बाहर बारिश में बिल्कुल नहीं रखने का है। तो पहला आप क्या करो, इस गमले में ऑन द लोअर साइड नीचे बहुत सारे पत्ते डाल दो, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप है कि हमारा ये ग्रीन वेस्ट है, इसको हम इसमें स्प्रेड करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा एक्सेलरेटर यानी माइक्रोब्स, थोड़ा एक चम्मच माइक्रोब्स डालेंगे, फिर और थोड़ा लीव्स इसके ऊपर डाल देंगे। तो हुई एक दिन का कचरा इसमें चले गया, दूसरा दिन का फिर ले लो और अगेन इसको स्प्रेड कर दीजिए और पत्ते, सूखे पत्ते इसमें डाल दीजिए और आप उसका ढक्कन डाल दीजिए और एक पाँच या चार या पाँच दिन एक बार उसको पूरा हिलाना है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी है इसका ब्रेकडाउन होने के लिए। और जब ये फुल हो जाएगा तो आप इसको 20-30 days रख दीजिए और 30 days के बाद ये ब्लैक गोल्ड यानी ये खाद, ये कंपोस्ट, ये हमको मिलेगा। एक इतना अच्छा लवली स्मेलिंग होता है और ये हम हमारे पौधों में डाल के अच्छा से जो भी चाहिए वो हम उगा सकते हैं। तो कंपोस्टिंग इज सिंपल, इट इज इजी एंड इट इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोसेस। इस कंपोस्ट को आप अपने प्लांट्स को नरिश रखने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स और नेबर को गिफ्ट कर सकते हैं, और तब भी अगर कंपोस्ट बचे तो आप किसी पार्क में जाके सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर घर में कंपोस्टिंग होना चाहिए क्योंकि दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर मदर अर्थ। तो खाद बना के कुछ उगा सकते हैं, ग्रीन्स, हमारा पालक, मेथी या कुछ वेजिटेबल्स, सब हम उगा सकते हैं घर पे ही और रियल फूड खा सकते हैं। वाणी जी अपने इंस्टा हैंडल के थ्रू कंपोस्ट और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सो दैट हम उनसे डेली लाइफ टिप्स के बारे में इंस्पिरेशन ले सकें। तो क्या आप आज से ही कंपोस्ट बनाने को कंसिडर करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर आप ऑलरेडी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसका एक फोटो लेके अपने फेसबुक या इंस्टा पे शेयर करें सो दैट और लोग इससे इंस्पायर हो। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपोस्ट के बारे में पता चले और किचन वेस्ट कम हो सके। जब ज्यादा से ज्यादा लोग कंपोस्ट बनाएंगे तभी हम इस वर्ल्ड से वेस्ट कम कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
सी यू नेक्स्ट वेंसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्लिक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।